और अब आपको दिन की अहम खबरें दिखाते हैं। क्या कश्मीर में सत्ता की कुर्बानी से बीजेपी को 2019 में फायदा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज जी न्यूज पर दिन भर मिलेंगे, क्योंकि जी न्यूज पर आज सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नाम है इंडिया का डीएनए 2019। आज दोपहर 12 बजे से जी न्यूज का कॉन्क्लेव इंडिया का डीएनए 2019 शुरू हो रहा है। दोपहर 12 बजे पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से रूबिका लिया का जवाब मांगेगी कि कश्मीर में बीजेपी के समर्थन वापसी का क्या मतलब है, क्या 2019 के नाम कश्मीर की कुर्सी कुर्बान की गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दोपहर 1 बजे जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी के तीखे सवालों की बौछार होगी। मुद्दा होगा महागठबंधन, और इसी मुद्दे पर दोपहर 1:45 पर महागठबंधन के महारथी आरजेडी के तेजस्वी यादव से सुधीर चौधरी पूछेंगे जनता के सवाल। शाम 4 बजे सुधीर चौधरी के सामने होंगे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनसे चर्चा होगी कि महागठबंधन के खिलाफ 2019 में नरेंद्र मोदी की क्या रणनीति होगी। तो 4:20 पर राज्यवर्धन राठौर और किरण रिजिजू बीजेपी की फिटनेस पॉलिटिक्स पर सुधीर चौधरी के सवालों का जवाब देंगे। शाम 5:30 रूबिका लियाकत एक बड़े पैनल के साथ बहस करेंगी। शाम 6:40 पर जी न्यूज के कॉन्क्लेव इंडिया का डीएनए 2019 में सचिन अरोड़ा के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी होंगे। शाम 7:00 सुधीर चौधरी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और राज बब्बर से कांग्रेस की 2019 की रणनीति पर बात करेंगे। सवाल होगा क्या 2019 में कांग्रेस कमबैक करेगी। और रात 8:00 बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से फेस टू फेस होंगे सुधीर चौधरी।